डियर फ्रेंड, आपका अपने स्वागत दोस्तों। क्लास टेंथ का इंग्लिश मीडियम के दो बच्चे हैं, उनका सिलेबस कुछ बताया गया है। मैथ के सिलेबस से कौन कौन कितने नंबर के आ रहे हैं, है ना। तो मेरा दोस्तों, यही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग जो है ना, ज़्यादा चैप्टर के चक्कर में ना रहें, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सरफेस स्टैटिक्स कर लें 8 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद सर्कल कंस्ट्रक्शन कर लें 9 नंबर का। 9, 8, 17 नंबर का टॉपिक है, इसको आप कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी कि ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, 10वां, 11वां और 14वां ये कर लें, वो पास हो जाएंगे। और कौन कौन चैप्टर कटे हुए हैं, जो जो कटे हुए हैं उसको नहीं करना है, ठीक है। ये आपके चैप्टर जो कटे हैं ये भी नहीं करना आपको, ठीक है। या एक्स्ट्रा पढ़ेंगे दिक्कत हो जाएगा आपको। कैसे पढ़ें कम समय में मैथ, वो मैं बताना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, देखिए मस्ट डू जो क्वेश्चन है इसको आप देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, पूरी थ्योरी फॉर्मूला बताया गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना। ये आपका देखिए क्वाड्रेटिक लगा फॉर्मूला, इक्वेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट का फॉर्मूला, इतना ही करिए ना। जो मस्ट डू में जो दिया गया इसको इंपॉर्टेंट करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का है सिलेबस, इसको आप याद करिए। जो नहीं बनता है उसको हम ये पूरी प्रैक्टिस करेंगे बताने की। ओके ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसको आप ध्यान में रखिए, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट करना है, ठीक है दोस्तों। ये आपका डेट है, ये आपकी प्रैक्टिस करिएगा, ये प्रैक्टिस करिएगा, और फिर बाद में हम अपने वीडियो पर चैनल पे मस्ट डू का प्रैक्टिस डाल देंगे, इसको ज़रूर करना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है आंसर के साथ। ओके दोस्तों, अब आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए फार्मूला है, इसमें दो फार्मूला है, एन का, डी का, कॉमन डिफरेंस का। ये आपको पूरे इंग्लिश मीडियम के बच्चों का है, ओके ठीक है दोस्तों। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, ये पूरे सोल्व किया हुआ है ना। और इसके बाद फिर हम बिल्कुल बताएंगे, तो मस्ट डू जो है इसको हम सोल्व पूरा कर देंगे। चैनल पे, मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको अपलोड। तो इस एक क्वेश्चन जो है ना, इसको प्रैक्टिस करें आप, नहीं पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट लग रहा है, और इनके स्कूलों में बताई गई है, इसको करें, फिर हम बाकी इसको सोल्व करके बता देंगे, ओके। तो देखिए सर्कल है, ठीक है, सर्कल देखिए आप, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल है। ओके दोस्तों, तो इसको आप देखिए, है ना, इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप देखिएगा और सारा सोल्यूशन डालेंगे जो जो सोल्व नहीं हो। तो मस्ट डू जो है इसको आप इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करें, बुक में भी दिया गया है। तो देखिए ये प्रैक्टिस करना है ना, ये प्रैक्टिस करना है, फिर बाकी हम इसके सारे सोल्यूशन अपने चैनल पे डाल देंगे। ओके ओके दोस्तों, एक कंस्ट्रक्शन है, ये पूरा सोल्यूशन किया हुआ है, इसको तो दोस्तों बिना बनाए हुए आपको आएगा नहीं, ये मैं बना कर दिखाऊँगा अपने चैनल पर, है ना। लेकिन फिर भी इसको एक बार देख लीजिए, ज्वाइनिंग वाली है ना, इसको देखिए पूरा, है ना, तो चैनल पे पूरे कंप्लीट है। ओके दोस्तों, तो ये पूरी बनाना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा, है ना चीज़। बाकी तो मैं बताऊंगा ही, ओके। तो इसको आप ध्यान में रखिए, इसका ज़रूर हम करके बताएंगे, प्रैक्टिस करें कराएंगे आपको, ओके। ये जो प्रैक्टिस है ना, इस प्रैक्टिस को हम करवाएंगे आपको, इम्पोर्टेंट है, ये हम कराएंगे आपको प्रैक्टिस, पक्का कराएंगे, श्योर, ओके। अभी ये आपका स्टैटिक था, इसको ध्यान में रखिए, ये पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ठीक है। और एक सोल्यूशन भी दिया हुआ है, और एक एक चीज़ क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये पूरी क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे आपको, 2-3 मिनट का है, है ना, ओके दोस्तों। इसको ध्यान में रखिए, इस चैनल पर पूरा चैनल रहेगा पूरा, है ना, इसको ध्यान में रखिए, बोर्ड तक पूरा लगे रहेंगे आपके साथ। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिए, है ना, ये पूरी कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ओके दोस्तों। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, है ना, पूरा करवाएंगे इसको, ये आपकी प्रैक्टिस है, ये पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, पूरा सोल्यूशन डालेंगे अपने चैनल पर, फिर इसको आप आंसर मिला लेना, ओके ओके दोस्तों। अब हम लोग आते हैं 13 चैप्टर, सफिशियन वॉल्यूम्स, ये पूरे फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको पूरी चैप्टर हो पाएगी कंप्लीट, 13, है ना। तो ये पूरा देखिए, है ना, ये पूरी सॉल्यूशन है। और दोस्तों मैंने आपको पूरी क्वेश्चन कराने की प्रयास किया और कराएंगे, इसको आप एक बार देखिए, बाकी इनके सारे सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर नहीं भी किए हैं तो आप करने का प्रयास करें और लोगों तक कराएँ,
फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।